हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाइट टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं दिखा रहा हूं दानापुर बीटा एलिवेटेड रोड, और ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये दानापुर रेलवे स्टेशन है। यहां से ये स्टार्ट थोड़ा सा पीछे से, मतलब आधा किलोमीटर पीछे से स्टार्ट होकर के और बीटा के सिकंदरपुर तक, यानी कि जहाँ इंडस्ट्रियल हब है वहाँ पर ये जाकर ख़त्म होती है। लगभग 22 किलोमीटर की अप्रोक्स इसकी लेंथ है। और कॉस्ट पर अभी मैं इसमें 69 करोड़ देखा हूँ, लेकिन अप्रोक्स 1970 करोड़ रुपये रखी है। तो चलिए मैं इसका ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों दिखाता हूँ। ब्राउन फील्ड जो है वो फास्ट दिखाऊंगा, और लगभग 6 किलोमीटर का जो ग्रीन फील्ड है तो वो मैं पैदल चल करके दिखाऊंगा, और लगभग 14 किलोमीटर का सेक्शन का आज मैं अपडेट दूंगा। तो अभी मैं जो दिखा रहा हूँ दानापुर स्टेशन के बगल से मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो स्टार्टिंग में तोड़फोड़ हुआ था वो स्टार्ट है, आज भी उसी तरीके से है। मतलब कि जैसा तोड़फोड़ किया गया था अभी इस तरफ किसी तरह का वर्क नहीं हुआ है। देखिए ये सब ब्राउन फील्ड वाला है। हाँ, ब्राउन फील्ड में काम हुआ है, लेकिन वो आपको सिवाला के बाद से बहुत ज़्यादा आपको काम मैं दिखाऊंगा। तो ये 4 किलोमीटर का जो सेक्शन है सिवाला तक का, देखिए ये सब तो घरे को तोड़ा गया था, अभी तोड़ने का काम चल ही रहा है। देखिए ये व्हाइट वाला 4 तल्ला घर था, तो इसे भी तोड़ करके हटाया गया है। और इसी तरीके से थोड़ा बहुत जो भी काम था तोड़फोड़ का वो तोड़ करके साइड किया गया है। ये शहर साइड का था इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। देखिए यहाँ पर भी तोड़ करके हटाया गया। उसी तरीके से फिर ये यहाँ पर नासिर चक गुमटी है, गुमटी के आगे फिर जो है कि उसके बाद भी उसी तरीके से है। थोड़ा बहुत तोड़फोड़ हुआ है, थोड़ा बहुत वर्क बाकी है सिवाला तक का जो है। अब उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा ग्रीनफील्ड भी दिखाऊंगा। वैसे मैं कॉस्ट वगैरह सब कुछ आपको डिटेल दिया हूं, अच्छे से बताया हूं। ये सिवाला पर का भाग है, देखिए आप जो सिवाला पे है, तो सिवाला पे भी ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है, इसी तरीके से है। थोड़ा बहुत तोड़फोड़ हुआ है, इसके बाद से आपको काम मेन होता हुआ दिखेगा। चलिए दिखाता हूं। दानापुर से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर तक, यानी कि सिवाला से थोड़ा सा आगे तक लाया तो यहाँ तक ब्राउन फील्ड है, फिर ये ग्रीन फील्ड की ओर चली जाती है। तो देखिए ये सब, चलिए अब मैं ग्रीन फील्ड का वर्क स्टेटस दिखाता हूँ। अभी मॉर्निंग का 7 ही बज रहा है, लेकिन काम लगा हुआ है जोरों शोरों से, देखिए आप। और पहले से काम की रफ्तार ये है कि जितना भी पेड़ निकला हुआ था, सरिया वरिया बांधा हुआ था, सब पे ढरिया किया जा चुका है कंक्रीट से, एक दो को छोड़ करके। तो ये लगभग 1.5 किलोमीटर का ग्रीन फील्ड है। तो चलो ये मैं चलूँगा इस तरफ से उस तरफ, फिर मैं ब्राउन फील्ड पर आऊँगा, फिर मैं ग्रीन फील्ड पर आऊँगा। तो फिर से दिखा दूँ, ये जो रोड पे गाड़ियाँ चल रही है ये पटना बक्सर 4 लेन के नाम से जाना जाता था है, और अभी चौड़ीकरण इसका होगा। ये अलग है दानापुर बीटा एलिवेटेड रोड, तो दोनों अलग अलग सेक्शन है। ये नहीं समझिए कि दोनों है, रोड एक ही रहेगा, ऊपर नीचे सिर्फ रहेगा। तो बारिश के दिनों में देख लीजिए आप कि किस तरीके से किचकिल मिट्टी से पूरा एकदम गीला रहता है। और काम मॉर्निंग से ही लगा हुआ है, जितने भी पियर थे यहाँ पर, पियर नंबर लिखा हुआ था कहीं पर, मैं बताऊँगा। लगभग 300 यहाँ पियर नंबर 136 है, और इससे आगे की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, तो देखता हूँ आगे कितना, 200 कुछ या 300 कुछ तक मैं गया हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, और भी फर्मा आया हुआ है कंटिन्यू अभी लाइन से ढालने के लिए। देखिए यहाँ पर कंटिन्यू सभी पे काम लगा हुआ है, और जो भी बेस बनाने का काम था वो पूरा हो चुका है। इस तरीके से बेस बनाया जा रहा है, 6 किलोमीटर और 137 मीटर पे मैं हूँ, और इस तरीके से कंटिन्यू पिलर नंबर जो है वो 137 है। तो पैदल चलता हूँ और देखता हूँ कहाँ तक क्या है। अभी भी एक जगह बेस बनाना बाकी है, और इसे बनाने वाली कंपनी सीगल है। तो जहाँ जहाँ पे भी ग्रीनफील्ड का काम है, अभी मैं कन्हौली तक दूंगा, कन्हौली से लेके बीटा तक का लगभग 10 किलोमीटर का सेक्शन पे उतना काम स्टार्ट नहीं है जैसा होना चाहिए। बीटा साइड में 1.5 किलोमीटर में काम स्टार्ट है, तो मैं कोशिश करूँगा पूरा दिखाने का, जो कि सीगल कंपनी काम कर रही है। तो चलिए आगे दिखाता हूँ, दूर तक देखिए आप। तो बारिश का दिन है, आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी मिट्टी जो है कि गीली हो चुकी है, और इसमें पैदल चलना पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं दूर तक वर्क दिखा दे रहा हूँ कि सभी का सरिया निकल चुका है, एक दो को छोड़ करके, जैसे कि यहाँ के बीच में एक दिख रहा है आपको, और इसी तरीके से। तो चलिए अब मैं ब्राउन फील्ड का अपडेट दूँगा फास्ट, मैं फिर ग्रीन फील्ड पर जाऊँगा। तो लगता है कि मैं ग्रीन फील्ड का इस बार अच्छे से अपडेट, जब तक बारिश है तब तक मैं अच्छे से अपडेट नहीं दे पाऊँगा जो कंडीशन लग रहा है हमें, लेकिन चलिए मैं कोशिश करता हूँ फिर भी आपको अच्छे से अपडेट दिखाने का। तो ये जो देख रहे हैं आप, वो जहाँ से मैं अपडेट दिखा था यही ये आकर के फिर ये रोड में मिल जाएगी। यहाँ से रोड का काम आपको देखिए, ये ग्रीन फील्ड से देखिए ये ब्राउन फील्ड में आ गए। तो देखिए यहाँ पे जो पुराना रोड था घेरा हुआ है, और जो नया रोड है उस तरफ देख सकते हैं बेड का काम स्टार्ट हो चुका है, और एक वाकई में काफ़ी चौड़ा। ये सिर्फ लेफ्ट साइड ही नहीं, देखिए राइट साइड भी काम हुआ है, और पोल देख सकते हैं आप, यानी इलेक्ट्रिसिटी के खंभे काफ़ी दूर तक किया गया है। लगभग अगर कहूँ तो 5 मीटर साइड में किया गया है,
तो इस तरीके से पूरा काम हो रहा है कंटिन्यू। और बहुत जगह पे देखिए, कहीं पर सॉइल फिलिंग का काम हो रहा है, कहीं पे बेड का काम हो रहा है। जहाँ पर मतलब कंपनी को, सीगल कंपनी को ज़मीन मिल चुकी है, उसे बेडिंग का काम स्टार्ट हुआ है। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि एकदम पायल का काम, जो भी एलिवेटेड रोड का काम हो, एकदम बीच में ही हो, कहीं पर साइड में भी हो सकता है। मैं पहले भी बताया कि ये पटना बक्सर फोर लेन भी है और दानापुर भीटा एलिवेटेड रोड भी है। तो ऐसा मैं एकदम कंठस्थ हूँ, मैं पढ़ा हूँ कि जो सीगल कंपनी बना रही है वो दानापुर भीटा एलिवेटेड रोड का वर्क कर रही है, जो कि 1969 करोड़ रुपया ले रही है। और मैं इसका प्रोजेक्ट का खूब अच्छे से भी डिटेल दूंगा आप लोगों को। देखिए अभी भी यहाँ पर ज़मीन को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, देख सकते हैं आप, कि तोड़फोड़ अभी करना बाकी, थोड़ा बहुत बाकी। तो हो सकता है इन लोगों को मुआवजा नहीं मिला होगा। बहुत सारी जगह ऐसा है जहाँ पर अभी मुआवजों का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो जो भी है, मैं कोशिश किया हूँ चल करके दिखाने का। देखिए अभी भी यहाँ पर काम नहीं हुआ है। तो इस तरीके से देखिए फिर से मिट्टी भराने का काम स्टार्ट हुआ। तो अभी मैं ब्राउन फील्ड पे ही हूँ, ग्रीन फील्ड मैं दूर से ही दिखाया हूँ, बताया हूँ कम से कम, कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये निराशाजनक अपडेट है मेरे माध्यम से इस बार। लेकिन मैं कोशिश किया हूँ दिखाने का। तो देख सकते हैं आप, अभी कहीं पर लेफ्ट, कहीं पर राइट साइड में कहीं पर सॉइल फिलिंग हुआ है, कहीं WMM हुआ है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, इसी तरीके से देख सकते हैं आप। तो है अभी भी इलेक्ट्रिसिटी का पोल है, कहीं कहीं पर साइड किया गया है। जैसे राइट साइड में आप देख सकते हैं कि साइड किया हुआ है, बेड का काम किया हुआ, लेकिन लेफ्ट साइड में एट इज इट है। तो चलिए अब मैं आपको फिर ग्रीन फील्ड का वर्क दिखाऊंगा। और इसके जो कंप्लीट का डेट है वो मैं ध्यान नहीं है कितना दिन में इसे कंप्लीट करना है। तो ये सामने जो बोर्ड लगा हुआ देख रहे हैं, वहाँ से फिर से ये ग्रीन फील्ड हो जाएगा। तो उसका भी मैं वर्क स्टेटस दिखाता हूँ आप लोगों को। और फिर से मैं आपको ब्राउन फील्ड का अपडेट देते हुए, मैं चला आया लगभग यहाँ पर 10-10.5 किलोमीटर पे हूँ। यहाँ पर किलोमीटर लिखा हुआ रहता है, देखिए आप, देखिए यहाँ पर 10 किलोमीटर और 545 मीटर लिखा हुआ। तो यहाँ पर देखिए आपकी पायल का काम हुआ हुआ, और उसी तरीके से ठीक देखिए आपकी पूरा मिट्टी से ज़मीन पूरा गीला है। तो मैं पैदल तो नहीं चल पाऊँगा, लेकिन मैं दूर से दिखा रहा हूँ कि वर्क पहले से काफ़ी तेज़ हो चुका है। लाइन से कई सारी देखिए यहाँ पर सरिया निकला हुआ दिख रहा है आपको। तो जब मौसम सुख होगा, थोड़ा सा ये सब सूखेगा, तो मैं पैदल चलूँगा, पैदल चल करके दिखाऊँगा। अभी दूर से मैं कुछ दिखा दे रहा हूँ इसका वर्क स्टेटस, कि काम बारिश हो कुछ भी हो, काम एकदम अपने रफ्तार में है। ऐसा नहीं कि कहीं पर काम रुका हुआ है, हर जगह देखिए मजदूर यहाँ लगा हुआ है। तो टीमें लगी हुई हैं, सिगल कंपनी की टीमें लगी हुई हैं, काम कंटिन्यू कर रही है। और जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, ठीक यहाँ से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर आगे फिर से ये ब्रिज निकलती है, ऐसे आगे निकलेगी, लेकिन ये कर्व होते हुए निकलेगी। और इस तरफ दानापुर है, फिर से बता दूँ, यहाँ से 10.5 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ से लगभग 12 या 13 किलोमीटर की दूरी पे भीटा होगा, जहाँ पे ये जाके ख़त्म होगी ब्रिज। और यहाँ पे भी पायल का काम हुआ हुआ है, देखिए एक पायल कैप एक बेहतरीन तरीके से बना हुआ है। और आगे में बहुत सारा टीमें लगी हुई है और सरिया का काम हो रहा है। दूर से देखिए, फिर से दिखाऊँ, तो काम की रफ्तार अच्छी खासी है। सभी पे सरिया हमें दूर से ही दिख रहा है कि निकला हुआ है। आपको भी जूम करके दिखाता हूँ, देखिए लाइन से, तो सरिया जितना दूर तक मैं देख पा रहा हूँ या कैमरा में कवर हो पा रहा है। और टीमें भी लगी हुई है मॉर्निंग से, ऐसा नहीं है कि किसी पे नहीं है। और ठीक से भी 7:15 हो रहा होगा या 7:30, तो आप समझ सकते हैं जितना भी है। और नंबरिंग नहीं पता चला ना, तो मैं नंबरिंग बताता कि मैं कहाँ हूँ। तो चलिए मैं फिर से अब इस रोड के माध्यम से चलता हूँ और आगे का कुछ कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस बार निराशाजनक अपडेट रहा, पैदल मैं नहीं चल पा रहा हूँ। तो मैं आपको हमेशा पैदल चल करके इस रास्ते से आता था, ये जो आप जितना देख रहे हैं ग्रीन फील्ड में वर्क स्टेटस, तो पैदल चलता था, पैदल चल करके ऐसे जाता था। लेकिन इस बार मैं रोड पे उतरा हूँ इस साइड से, और रोड से उतर के यानी कन्हौली बाज़ार से थोड़ा सा पहले से उतर करके और अपडेट दे रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं मौसम कैसा है और रास्ते कैसे हैं। तो मैं चल नहीं पाऊँगा इस रास्तों में, प्रॉब्लम होने वाली है। जो लोग चल रहे हैं या जो लोग वहाँ तक पहुँचे, वो ट्रैक्टर के माध्यम से पहुँचे हैं। इस तरीके से ट्रैक्टर जो लगी हुई है, देखिए अभी आई है, तो लोग उसी से गए हैं। कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत जगह क्लियर है, पूरा इस तरफ से उस तरफ तक मैं क्रॉस नहीं कर सकता हूं, लेकिन इसमें कोशिश करूंगा। तो यहां भी देख सकते हैं आप कन्हौली के थोड़ा सा पहले से, कि पूरी तरीके से सरिया का काम हुआ वहाँ, देखिए सब में सरिया निकला वहाँ, और लोग जो वहाँ पर हैं। तो मैं भी कोशिश करता हूँ चलने का, अगर रास्ता सही रहा तो चलूँगा, ना तो फिर से रिटर्न होकर के और रोड के माध्यम से जाऊँगा वहाँ तक। तो चलिए कुछ दूर तक तो रास्ता सही है, मैं कोशिश करूँगा कुछ दूर तक चलने का, उसके बाद आगे का रास्ता सही नहीं है। लेकिन मैं जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ तक रास्ता सही था, वो भी इस टीले से आया था इस तरफ से। तो यहाँ पर भी देखिए कितना बड़ा पायल कैप बना करके उसके बाद सरिया ऊपर में निकाला गया है। ये गजब का वर्क स्टेटस है जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। और दूर दूर तक पानी से ये पूरा जगह भरा हुआ है। शहर में पानी पता नहीं चलता, लेकिन गाँव में जब पानी होता है तो खूब दूर तक पता चलता है।
तो मैं अपडेट देते हुए कंटिन्यू, मैं गोलंबर पटना रिंग रोड के गोलंबर पर आ गया। जिस तरफ से गाड़ी आ रही है दानापुर से होते हुए, यहाँ पर लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर होगी और यही यहाँ पर ये कहीं पर एक बस स्टैंड भी बनेगा और ये रास्ता सीधे जो है कि चाहे इस साइड से हो चाहे इस साइड से हो ये शेरपुर को जाएगी। अभी ये मैपिंग नहीं है मेरे पास कि ये किस गाँव से होते हुए जाएगी। और इस तरफ बहुत सारा आप गिट्टी बालू रखा हुआ देख रहे हैं, यही सीगल कंपनी का प्रोजेक्ट ऑफिस है। और ये पटना रिंग रोड 39 किलोमीटर का सेक्शन जो कि 4 लेन 6 लेन है कंप्लीट है और इसी में कहीं पर आकर के ये दानापुर भीटा एलिवेटेड रोड का एक रैंप गिरेगी। तो यहाँ पर क्रेन भी आ चुका है जो गडर लॉन्च होगा उसके लिए। ये सब जितना ट्रक देख रहे हैं ये सब बालू और गिट्टी से आया है, ये सीगल कंपनी में ही सब लाइन से जाएगा। लाइन से देखिए वहाँ पर गार्ड लगा हुआ है, गार्ड बारी बारी से इन करवाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है और ऑलरेडी इससे बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दनियावा साइड जाती है। तो ये पूरी तरीके से बेहतरीन रोड है बिहार का एक। और वैसे ये भीटा सर मेरा SH 78 के नाम से जाना जाता था जो कि NH 131G पटना रिंग रोड के नाम से अब ये धीरे धीरे करके फेमस होगा। और यहाँ पर बिहार सिर्फ 87 किलोमीटर, बेलदारी चक 34 किलोमीटर, सरमेरा 114 किलोमीटर, जडडुमरी 26 किलोमीटर, दनियावा 46 किलोमीटर, नवादपुर 11 किलोमीटर इस रूट से पड़ती है। और एलिवेटेड पार्ट वो इसी साइड से आ रही है, वो भी मैं दिखाता हूँ। इस बार बारिश होने की वजह से मैं थोड़ा सा संतोषजनक अपडेट नहीं दे पाया, लेकिन मेहनत में कमी नहीं रही। मैं कोशिश किया पैदल चलने का लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी। तो जो एलिवेटेड पार्ट आएगा, देखिए यहाँ पर सरिया निकला हुआ आपको दिख रहा होगा, देखिए तो ये यहीं से होते हुए ऐसे आएगा और कहीं पर ये एक रैंप इसका डाउन होगा और सीधे ये रोड जो है कि सदिशोपुर होते हुए, नवदपुर होते हुए और बेलदारी चक से होते हुए और फिर रामनगर है वहाँ से ये कट जाएगी और अमल दरभंगा में भी मिल जाएगी। और इस तरफ देखिए आप आरके इंफ्रा का बहुत बड़ा क्रेन लग चुका है। चलिए आगे देखता हूँ, शायद इसे हाइड्रोलिक कहिएगा, क्या कहते हैं ये नहीं मालूम है क्योंकि ये गडर उठाएगा। तो चलिए थोड़ा बहुत उस तरफ भी वर्क स्टेटस देखा। और आप रोड की क्वालिटी देखिए, ये यहाँ पर 6 लेन है और यहाँ तक होने के बाद भी देखिए, ये 6 लेन होने के बाद भी लगभग अभी 6 लेन का ज़मीन छोड़ा हुआ है साइड। और यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट ऑफिस है, ये पूरी तरीके से प्रोजेक्ट ऑफिस है जहाँ पर ये गडर का प्रोजेक्ट ऑफिस है या सीगमेंट का, देखिए फ्यूचर में पता चलेगा। और यहाँ पर बालू गिट्टी बहुत सारा लगा हुआ है, यहाँ पर मैप भी है। तो ये एक मेरे माध्यम से अपडेट है, मैं कोशिश किया था बेहतर से अपडेट देने का लेकिन बारिश की वजह से मैं थोड़ा सा अच्छे से अपडेट नहीं दे पाया। तो चलिए मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और अपडेट के साथ मिलूंगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और अभी यहाँ से लेकर भीटा तक का काम में बहुत स्लो है।